सत्संग के इस शुभ अवसर पर एक और विषय के साथ चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। आज का विषय सफल और प्रसन्न पारिवारिक जीवन कैसे प्राप्त करें। तो सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहूंगा कि हम सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, समुदाय में हम लोग जीवन जीते हैं, इसलिए हर जीवन एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। हमारे जीवन में इस तरह की स्थिति है कि जैसे किसी सरोवर में, किसी तालाब में रहते हुए कोई जीव हो और कहीं कोई पत्थर फेंकता है तालाब में, तो जो लहरें उठती हैं उसका पूरा असर पूरे तालाब में रहने वाले जीवों पर होता है। किसी बच्चे को दर्द हो, आंख बच्चे की नहीं रोती, मां की रोती है, दर्द बच्चे को होता है। पत्नी या पति में किसी एक को पीड़ा होती है, दूसरा भी संतापित होता है। पूरे घर में हम लोग एक दूसरे से बंधे रहते हैं और जब बेटी की शादी हो जाए या बेटा अपनी पत्नी को दूर लेकर रहने चला जाए, माँ बाप की निगाहें उधर लगी रहती है, बूढ़े बाप के प्रति बेटी या बेटे का ध्यान वैसे ही लगा रहता है। सब लोग इस तरह बंधे हुए हैं कि देखने में कोई रस्सी दिखाई नहीं देती, कोई धागा नहीं दिखाई देता, लेकिन धागे हैं, दिल से बंधे हुए हैं, दिमाग से बंधे हुए हैं, हम भावनाओं से बंधे हुए हैं। दूरियां कितनी भी हों लेकिन संबंधों की डोर इतनी अद्भुत है, कोई भी कहीं बैठा हुआ है, हमारे मन से, हमारे दिल से, हमारी भावनाओं से हर कोई बंधा हुआ है। केवल दोस्त रिश्तेदार ही नहीं, हम अपने दुश्मनों से भी बंधे हुए हैं। इसलिए किसी शहर में भी अगर हम जाएंगे तो अपने दुश्मन को भी याद करते हुए जाते हैं, वहां बैठ करके अपनों का ख्याल आएगा तो दुश्मन का भी ख्याल आएगा। प्रेम में हम बंधे रहें या दुश्मनी में बंधे तो हम हैं, कहीं मोह में बंधे हुए हैं, कहीं ईर्ष्या में बंधे हुए हैं, मेरे से कोई आगे ना निकल जाए, और हमें और किसी से फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया कितनी भी आगे चली जाए लेकिन मेरा अपना जाना पहचाना आदमी आगे नहीं जाना चाहिए, हमें इस बात की बड़ी पीड़ा रहती है। अजीब बात तो यह है कि जानवर खासतौर से कुत्तों में आदत होती है कि अपना जहां कुत्ता रहता है स्ट्रीट डॉग, अगर वहां पर कोई पराया आ जाए, अजनबी आ जाए, उसे देखते वो भौंकना शुरू कर देगा क्योंकि उसे अजनबी पसंद नहीं है। इंसान उल्टा है, उसे जाना पहचाना पसंद नहीं, अजनबी कितने भी तरक्की करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाना पहचाना तरक्की कर जाए तो बड़ा फर्क पड़ता है। जाने पहचाने को खाता पीता देखकर, फलता फूलता देखकर बड़ी परेशानी। जानवरों में अनजाने को फलता फूलता देखकर, खाता पीता देखकर वो जरूर दूर रहेंगे, लेकिन आपस में मिलजुल के खा लेंगे। हम लोग बहुत भावनाओं में जीते हैं, तो भावनाएं हमारी ईर्ष्या की भी हैं, भावनाएं हमारे क्रोध की भी हैं, भावनाएं हमारी मोह की भी हैं, भावनाएं वो भी हैं जहां हम आलोचना निंदा करने में लगते हैं। कहने के लिए हम लोग जरूर कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि प्रेम में हम इंतहा भी करते हैं तो नफरत में भी इंतहा कर जाते हैं।
ऐसा भी देखने में आता है, कोई संगीत का मर्मज्ञ मृदंग वादक, मृदंग बजाने वाला, जैसे ढोलक होती है ऐसे मृदंग होती है, मृदंग को लेकर बैठा हुआ है, जंगल में अभ्यास कर रहा है और बहुत मूड में आकर गाने लग जाता है, बजाता जाता है। तो कोई और तो नहीं, लेकिन एक हिरन सामने से आया और सुनकर चला गया। इतनी देर में एक बकरा आया, वो वहां खड़ा होकर रो रहा है। संगीत वाले ने बजाते बजाते मृदंग को पूछ लिया, हिरन तो आया था, थोड़ी देर खड़ा हुआ, बहुत खुश था, तू भी सुन रहा है मेरे मृदंग को लेकिन रो रहा है। उसने कहा कि जब तुम मृदंग पर थाप मारते हो, मुझे मेरी माँ की याद आती है, क्योंकि जो ये आपका मृदंग बना है ये मेरी माँ के चमड़े से बना है। जब भी इस पे थाप लगती है तो मेरे अंदर वाइब्रेशन होती है, मुझे लगता है कि जैसे मेरी माँ मुझे पुकार रही है। कहा जाता है कि मनुष्य इतना भी कठोर क्यों ना हो, दुख पड़ता है तो उसके मुंह से माँ का नाम निकलता है। इसने पाला। कभी कभी तो दुख में आकर इंसान ये कहने लग जाता है कि माँ तू मुझे अपने आंचल में छिपा ले, अब इस दुनिया में मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि माँ सब दुखों से बचाकर अपने पास अपने बच्चे को। इसलिए भगवान को भी हम माता पिता के रूप में पुकारते हैं, बंधु सखा के रूप में पुकारते हैं। दुनिया के सारे रिश्ते भगवान से हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग भगवान को माता पिता के रूप में पुकारते हैं, क्योंकि पिता ही ऐसा है अपने बच्चे के लिए कितना भी कुछ करेगा कभी हिसाब नहीं रखता। मैंने तुझे ये दिया, तुम्हारी पढ़ाई पर इतना खर्च किया, तुम्हें कपड़े गहने इतने महंगे दिए, कोई हिसाब नहीं लगा। अगर चाचा पाले किसी बच्चे को तो हिसाब लगाएगा, लिखेगा भी सही, इसके पढ़ाने में इतने पैसे लगे, इसको खिलाने में इतने पैसे लगे, इसकी शादी पर इतने पैसे लगे, यहाँ तक कि कहीं जाए आएगा तो उसका भी हिसाब किताब लिखा जाएगा। और चाची खाना खिलाएगी तो उसकी रोटियां लगी, रोटियां देते देते थाली में उसको लगता है सब्जी दो बार डाल दे तो ऐसी बहुत खाता है, उसका बच्चा सामने बैठकर खा रहा हो उसको कहेगा इसको रोटी नहीं लगती कुछ खाते, पराए बच्चे की रोटियां भी गिनी जाती, अपने का कुछ भी नहीं गिना जाता। दुनिया का मालिक परमात्मा हमारा माता पिता बंधु सखा है, वो भी देते हुए कभी गिनता नहीं कि उसने हमको क्या क्या दे दिया, खुले हाथों से देता चला जाता है। लेकिन हम लोग कितने अशिष्ट हैं उसके पाए हुए को, उसके दिए हुए को पा करके थैंक्स करना भी भूल जाते हैं, थैंक्स करने को ही प्रार्थना करना कहते हैं। और जो ये प्रार्थना करना जानता है, थैंक्स करना जानता है, उसी को भक्त कहा जाता है, जो भक्त का मतलब है जो प्रेम करने वाला, जो शिष्टाचार वाला है, जो शुक्रिया अदा करता है, जो धन्यवादी है। इसलिए याद रखिए कि हम अपने रिश्तों से बंधे हुए हैं, लेकिन हमारा रिश्ता सबसे बड़ा तो परमात्मा से, और परमात्मा लगातार हमारे लिए सब कुछ दे रहा है, इसलिए वो हमारा दोस्त भी है। और दोस्त वो होता है, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पंक्तियों में कुछ बातें बड़ी अद्भुत कही, कि दोस्ती न इम्तहान लेती है, दोस्ती कभी न इम्तहान देती है, दोस्ती न इम्तहान लेती है, दोस्ती न कभी इम्तहान देती है, दोस्ती वो है जो बारिश में भी चेहरे पर, दोस्ती वो है
जो बारिश में भी भीगे चेहरे पर आंसुओं को पहचान लेते, उसका नाम दोस्ती वो है जो बारिश में भी भीगे चेहरे के आंसुओं को पहचान लेती है। दोस्ती नहीं तान लेती है, दोस्ती नहीं तान। दोस्ती वो है जो बारिश में भी भीगे चेहरे पर गिरे हुए आंसुओं को पहचान लेती है। इसलिए वो जो आपके दर्द को आपके आंसुओं को पहचानता हो, दर्द हो किसी को आंख उसकी रोती है, वो दोस्त है। और फिर हिसाब नहीं रखता कि मैंने इसके लिए क्या किया, कितना किया, बदले में ये मेरे लिए क्या करे। जो बदलाना चाहे वही तो अपना है। और जो हर समय गिनाए और जताए मैंने तुम्हारे लिए ये किया ये किया ये किया, तुमने मेरे लिए क्या, समझ लेना चाहिए। वहां रिश्ते बिजनेस बन गए। इसलिए भगवान के लिए भी अगर भक्ति करता है इंसान तो इसलिए नहीं कि मैं कुछ करता हूं तो बदले में कुछ मिले। इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना से, इबादत नहीं एक तरह की तिजारत है, व्यापार। इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना से, इबादत नहीं एक तरह की तिजारत है। जो डर के मारे खुदा का नाम लेते हैं ये बुजदिलाना एक खिदमत है, डरे हुए आदमी की सेवा है। जो डर के मारे खुदा का नाम लेते हैं ये बुजदिलाना एक खिदमत है। जब बंदे की जबी झुकती है शुक्र नेमत से, वही सच्ची बंदगी है और वही सच्ची इबादत है। जब इंसान धन्यवाद करने के लिए सिर झुकाता है और कहता है कि मेरे मालिक तेरे देने में कमी नहीं, कमी मेरे संभालने में। उस समय जब धन्यवाद करने के लिए खड़ा होता है तब कहा जाता है इसका नाम। देखा जाए तो मनुष्य के अंदर जैसे ही इंसान पैदा होता है उसकी शुरुआत माँ की निकटता से, जिंदगी की शुरुआत होती है, जहां माँ बच्चे को प्रेम से देखती है और बच्चा प्रेम की भाषा को समझता है। बच्चे को पता नहीं है ये कौन है, बच्चे के पास कोई भाषा भी नहीं है, वो जानता भी नहीं कि किस भाषा में बात हो रही है। और सच बात तो ये है प्रेम की कोई भाषा नहीं है। जब माँ अपने प्रेम से बच्चे को देखती है और उसके सिर पर हाथ रखती है तो प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। और अगर मैं कहूँ प्रेम की भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको दिल समझता है, उसे बोलने की भी जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ छू लेने की, देख लेने भर की जरूरत होती है। इसी से पता लग जाता है कि प्रेम प्रकट किया जा रहा है। और जो अपने होते हैं वो अगर किसी शहर में भी जाकर बस जाए, वो शहर जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, वो शहर भी प्यारा लगने लग जाता है। उस शहर के समाचार पढ़ने के लिए इच्छा होती है, उस शहर के बारे में जानकारी रखने की कोशिश की जाती है। और माँ का तो ध्यान उसके कान उसकी आंखें लगी रहती हैं उसी तरफ जहाँ उसकी बेटी ब्याही है, या जहाँ पर उसका बेटा और बहू रहते हैं, जहाँ उसके पोता पोती रहते हैं, उसका ध्यान बार बार उस शहर में जाता रहता है। वहाँ की गर्म ठंडी हवाओं के बारे में पता लगता है। वो एकदम फोन पर जब बात करेगी तो कहेगी सर्दी काफी है, बच्चों का ध्यान रख ले। ये जो पूछा जाता है ध्यान रखना अपना, ये प्यार बोलता है। और आप ध्यान रखिए, हम बिना पैसे के गुजारा कर लेंगे, कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन नफरत में नहीं जी पाए, घृणा में नहीं जी सकते। नफरत बेबस कर देती है, उससे भी ज्यादा उपेक्षा, कोई हमारी तरफ देखे नहीं। किसी आदमी को कितना भी अच्छा खाना पीना दीजिए, खाना पीना तो जेल में भी मिलता है, लेकिन जेल में अपनापन नहीं होता, हर कोई दुश्मन की तरह व्यवहार करता है। झोपड़ी में भी आदमी रह लेगा लेकिन कोई अपना वहां पास में बैठा हो, भले ही एक टाइम खाना खाए,
प्यार के सहारे जिंदगी बीत जाती है। इसलिए इंसान इंसान से अगर बंधा है, एक ही रस्सी से बंधा हुआ है। वेदों में कहा है, पृच्छामि त्वाम् मनस्य नाभि, पूछता हूँ तुमसे ये दुनिया का केंद्र बिंदु क्या है, तो वहां पर उत्तर दिया, अयम यज्ञो होमस्य नाभि। ये जो परोपकार की, दूसरे की परवाह करने की भावना है, यही भावना जहाँ अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल रखने की भावना है, इसी पर दुनिया टिकी हुई है। और इसके पीछे एक ही चीज है, और वो है प्रेम। आप लोग देखते हैं किसी माला के मनकों को, हम देखते हैं तो वो मनके दिखाई दे रहे होते हैं, फूल माला में फूल दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन जिससे वो बंधे हुए हैं वो धागा नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर वो धागा टूट जाए, फूलों की या मनकों की कोई इसलिए याद रखिए, दिखाई देता आदमी, दिखाई देती उसकी मैं, दिखाई देता है एक परिवार, लेकिन नहीं दिखाई देता उसके अंदर धागा। धागा है प्रेम। इस प्रेम के धागे को मजबूत करके चलिए, बस किसी से आपकी जिंदगी में सबसे इसे चिंता रखना बहुत जरूरी है। इसे परवान करना है, पोषण करना है, इसे बढ़ाना है, तो एक ही चीज से ये बढ़ता है, और वो है सेक्रीफाइस, त्याग, कुर्बानी। इसकी कोई सीमाएं नहीं होती, प्रेम की कोई सीमा नहीं, प्रेम की कोई हद नहीं होती। जो हद में बंध जाए वो प्रेम नहीं होता। प्रेम वो है जो बेहद होता है, जो अनंत होता है, जो असीम होता है, लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड। जिसकी लिमिट नहीं बनाई जा सकती, प्रेम कितना ही होता। क्रोध किसी एक सीमा पर जाकर रुक जाएगा, उससे आगे नहीं जा। प्रेम की कोई सीमा नहीं, कितना भी मिले आदमी को कम लगता है। लेकिन ये अद्भुत चीज है कि प्रेम वालों के साथ आपको पूरा जीवन व्यतीत करते हुए पता भी नहीं लगेगा कब ये जीवन पूर्ण हो गया। लेकिन ये भी एक बात अजीब है, अपने जब रुलाते हैं चोट बाहर भी लगती, सबसे ज्यादा तो दिल पे। कहते हैं ना कि कहने को तो आंसू अपने हैं, कहने को तो आंसू अपने हैं, पर देता कोई और है, किसी और की वजह से आते होते हमारे हैं, निकलते हैं किसी और की वजह से। तो जब कोई और वजह बनता है और हमारे अंदर से आंसू बाहर आते, तो ये ध्यान रखना उसकी चोट दिल पर। इसलिए मैं कभी कभी एक उदाहरण दिया करता हूँ, लोहार और सुनार, लोहे का काम करने वाला लोहार और सोने का काम करने वाला सुनार, दोनों की दुकानें पास पास में, और दोनों सुबह अपने दुकान की शुरुआत करते ही लोहार कोई औजार बनाने में लग जाता है, सुनार कोई आभूषण बनाने में लगता है। सुनार के पास लकड़ी की हथौड़ी है जिससे वो पीट पीट कर गहना बना रहा है, लोहार के पास लोहे की हथौड़ी, लोहे की हथौड़ी से लोहे को पीटता है, आवाज जोर जोर से आ रही है। तो एक लोहे का कण टूटकर सोने की दुकान में आकर गिरा, तो सोना उससे पूछता है, चोट खा रहे हो, पिट रहे हो, पिट तो हम भी रहे, पर इतनी आवाज क्यों करते हो? सोना पूछ रहा है लोहे से, इतनी आवाज क्यों करते हो, इतने जोर से आवाज आती है तुम्हारी, खट 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 खट, पिट तो हम भी रहे, हमारी आवाज तो दुकान के अंदर अंदर है, तुम्हारी आवाज तो पूरे मोहल्ले में जा रही है। सुनते ही लोहे ने कहा, तुम किससे पिट रहे हो, तुम्हें पीटने वाली लोहे की या सोने की हथौड़ी तो तुम्हारी नहीं है ना, कौन सी हथौड़ी है? बोले लकड़ी की। बोले तुम्हें तो पराया पीट रहा है, मुझे तो मारने वाला मेरा अपना है, इसलिए बाहर भी चोट लगती है और दिल में भी चोट लगती है, इसलिए आवाज ज्यादा आ रही, क्योंकि मुझे मेरा अपना, मेरा सगा।
तुझे अपना सगा मारेगा, तेरी आवाज मेरे से भी ज्यादा दूर तक जाएगी। इसलिए याद रखना कि जब अपने सताते हैं, अपनों की चोट होती है, कभी कभी तो इतना बड़ा दर्द होता है कि आंसू भी नहीं दिखा सकता, रो कदर भी नहीं बता सकता, कहां कहां दर्द है, कितना कितना बिलबिला जाता है आदमी। मंसूर को जब सजा दी गई, बहुत बड़ा ज्ञानी मंसूर, मंसूर को सताया गया, सूली पर चढ़ाने की तैयारियां हो रही थी, पहले उसको पत्थर मारा जाने लगा, बादशाह ने हुक्म दिया, गांव का हर आदमी पत्थर मारे गए। मंसूर इतना बड़ा ज्ञानी, उसको गलत फहमी में, ना समझी में सजा दी गई, सब लोग मारने के लिए आ गए। बादशाह का हुक्म था तो सिपाहियों ने उसके दोस्त को भी पकड़ लिया और उसने कहा मारो तुम। तो दोस्तों की भीड़, दुश्मनों की भीड़, अपनों की भीड़, परायों की भीड़, चारों तरफ घेरे खड़े हैं लोग। इसका अपना जिगरी दोस्त फर्स्ट फ्रेंड वो खड़ा सा देख रहा है कि पत्थर मारे जा रहे हैं, खून बह रहा है, लेकिन मंसूर चुपचाप शांति से खड़ा है, सबको देख रहा है। और जैसे ही मंसूर के सामने उसका दोस्त दिखाई दिया, मंसूर ध्यान से उसको देख रहा, दोस्त ने कागज लिया, कागज में फूल डाला, कागज को गोल किया, पत्थर जैसा बनाया और बनाकर घुमाकर फेंक कर मारा। लगते ही मंसूर ने रोना शुरू किया, दोस्त पास में गया, उसने कहा सबने तो पत्थर मारे, उनकी चोट लगने के बाद तुम्हें खून बहने लग गया, लेकिन तुम रोए नहीं, मैंने तो पत्थर नहीं मारा, मैंने तो फूल कागज में लपेट कर फेंका है, मेरे मारने पर रोने लग गए, मैंने क्या चोट दी है। मंसूर कहता दोस्त माना कि तूने पत्थर नहीं मारा, लेकिन आज तू मुझे तो जानता है, पहचानता है, ये लोग तो मुझे नहीं जानते, मैं क्या हूं इसको तू तो जानता है, ये तो अनजाने लोग है, ये नहीं जानते, तो पराया है। आज दुख इस बात का हुआ है, मारने वालों में आज तू भी आके खड़ा है, इसलिए तेरा फेंका हुआ फूल भी पत्थर से ज्यादा दर्द कर रहा है, तेरा फूल भी दुखा दे रहा है, मारने वालों में, चोट पहुंचाने वालों में आज तू भी आके खड़ा है, तुमसे तो उम्मीद, जिनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भी हमें रुलाएंगे, जब वो रुलाते हैं आदमी का रोवा रोवा उतर भी जाता है, क्योंकि हम सब लोग प्रेम में पलते हैं, प्रेम में जीना चाहते हैं, प्रेम से ही इस जीवन का अंत देखना चाहते हैं। रुपया पैसा कम हो जाए, मकान छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, कपड़े अच्छे हो ना हो, लेकिन जिंदगी में प्रेम जरूर होना चाहिए, और रिश्तों में यही एक महत्वपूर्ण चीज है, प्रेम, इसी के सहारे। जब प्रेम होता है तो प्रसन्नता भी आती है, प्रेम होता है तो उसको आदमी बांटता है। इसलिए भगवान ने वेदों में एक शब्द कहा, सहृदयम साम्यस्यम अविद्वेषम प्रणोमि वह, मैंने तुम्हें बनाया है किस तरह का, सहृदय तुम्हारे अंदर दिल दिया है और उसमें मैंने प्रेम दिया है, तो सहृदय बनो, अपने हृदय जैसा दूसरे का हृदय प्रेम वाले बन जाओ, दोस्ती वाले बन जाओ, मित्रता वाले बन जाओ, अपनापन अपनाने वाले बन जाओ, अपना लो किसी को, तुम्हारे रिश्तों में जब तक अपनापन नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी खिलेगी नहीं। अपनापन रिश्ते कोई भी हो, रिश्ता कीमती तब बनता है जब उसमें अपनापन होता है। कोई भाई एक नहीं, तीन हो, पांच हो, दस हो, दस भाई होने के बाद, पांच भाई होने के बाद भी, तीन भाई होने के बाद भी आदमी कहता है कि ठीक है भाई तो आपके तीन हैं, लेकिन ये बताओ सगापन
किसके साथ है, अपनापन किसके साथ है, ज्यादा प्रेम किसके साथ है। तो आदमी कहता है छोटे वाले के साथ मेरा बहुत लगाव है, उसके साथ बहुत अपनापन है। पर ध्यान रख लेना, जहां अपनापन है वो रिश्ता जिंदा है, और जहां अपनापन नहीं है वो रिश्ता जिंदा नहीं है। पराया भी अगर अपनेपन के साथ जी रहा है और आप उसके साथ अपनेपन में जी रहे हैं, भले ही देखने में कोई रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन वह दिल का रिश्ता है और वह रिश्ता बहुत ठीक है। इसलिए अपनापन बनाकर जीना ही जिंदगी के लिए, और अपनापन लाने के लिए ये त्याग चाहिए। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम प्रणोमी, मैं तुम्हारे हृदय को एक करता हूँ, प्रेम से भरपूर करता हूँ। सामनस्यम, तुम्हारा मन एक हो जाए। अविद्वेषम, वैर रहित हो जाओ, ईर्ष्या रहित हो जाओ। इस तरह से प्रेम से बनकर रहकर जिंदगी जियो। अन्यो अन्यम अविहर्यत वत्सम जातम इवाग्न, इस तरह से एक दूसरे के साथ प्रेम से जीने वाले बन जाओ जिस तरह से एक गऊ उसका तुरंत उत्पन्न हुआ बछड़ा हो तो जैसे उसके लिए वो जान पर खेलकर उसे बचाने के लिए तैयार रहती है, ऐसे अपने रिश्तों को बचाने में लग जाओ, ऐसे अपने रिश्तों। मजे की बात तो ये है कि एक भाई राम बन भी जाए और दूसरा लक्ष्मण ना बने तो बड़ी समस्या। ज्यादातर देखने में यही आता है, किसी घर में लक्ष्मण बन जाता है भाई तो बड़ा भाई राम नहीं बनता, कहीं बड़ा भाई राम बन जाता है तो छोटे वाला लक्ष्मण नहीं बनता। और रामायण को हम ये मानते हैं कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो आचार संहिता है, जीवन जीने का संदेश वहां से हमको मिलता है, जिंदगियों को किस तरह जीना चाहिए, भाई भाई के लिए कैसे त्याग कर सकता है, सास ससुर कैसे हो जाने चाहिए। मतलब यह है कि राम जी को वनवास मिला, सीता जी आगे आगे चल पड़े, पहले मैं जाऊं आपके साथ। राम जी कहते हैं वहां कांटों पर सोना पड़ेगा, फूलों की छांव नहीं होगी, फिर फूलों का बिस्तर नहीं होगा। वो कहते हैं जहां आपका प्रेम मिलेगा वहां पर मेरे लिए कांटे भी फूल बन जाएंगे, और आपके बिना महलों में भी रहना पड़ा तो मेरे लिए वो महल के फूल भी कांटों से बदतर हो जाएंगे, इसलिए आपके साथ ही मेरा जीवन। और आप सोचिए कि जनक राम जी के ससुर, उन्हें तो उस समय फौज लेकर आ जाना चाहिए, मेरे दामाद के साथ अन्याय हुआ है, गद्दी तो उसको मिलनी चाहिए, उसकी गद्दी छीनी गई है, दखलंदाजी नहीं की। उन्होंने कहा इनके घर के मामले में मुझे मिठास घोलने का काम करना है, कड़वाहट घोलने का। रिश्ते तब जब रिश्तेदार भी मिठास घोलने का काम। एक गलत फहमी हुई मंथरा के कारण, घर छिन्न-भिन्न हो गया। लेकिन ऐसी स्थिति में आग लगाने वाले आग लगा रहे हैं, लेकिन भरत को देखिए, पता लगा है भरत को, तो राज सिंहासन को उसने स्वीकार नहीं, भाई के खड़ाऊ ला करके राजगद्दी पर रख दी और खुद जाकर शहर से बाहर नंदीग्राम में एक पत्तों की कुटिया बनाकर पत्तों के ही थाल कटोरे, पत्तों का बिछोना उस तरह से रहता है। और अगर सिग्नेचर करने पड़ते हैं राजकाज चलाने के लिए तो लिखता है आदेश से श्री राम, और नीचे पार करके जैसे सिग्नेचर किए जाते हैं, कोई आदमी नहीं है उसके बदले में किसी को साइन करने पड़ते हैं, ऑर्डर तो उन्हीं का है, उनके बिहाफ पर मैं साइन कर रहा हूं। इस तरह से भरत सिग्नेचर करता है, लेकिन एक एक पल एक एक क्षण लगा हुआ उसका कि वो घड़ी आए कि मेरा भाई राम लौट कर आए। और उसके बाद जो उजाला हुआ अयोध्या में अद्भुत था, दीपावली लगातार चली आ रही,
हमारे आसपास के देशों में एक देश इंडोनेशिया और वहाँ पर एक छोटा सा द्वीप बाली द्वीप, मैं उस द्वीप में जब गया तो मुझे बताया गया कि यहाँ एक दिन ऐसा मनाया जाता है जब सारे शहर की रोशनियाँ बंद कर दी जाती हैं, यहाँ तक कि हवाई अड्डे की रोशनी भी बंद कर दी जाती है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, बोले ये लोग ये मानते हैं कि इस दिन राम जी यहाँ से वापस चले गए थे, तो उनकी ये याद मनाने के लिए कि तुम्हारे जाने के बाद कलियां सोनी हो गई, वक्त रुक गया, जिंदगी की रोशनी खत्म हो गई, तुम थे तो हमारी जिंदगी भारत में दिवाली मनाई जाती है, लक्ष्मी का आगमन, संबंधों का आगमन, हमारे अपनों का आगमन, वही तो दीपावली है। जिंदगी में जब अपने साथ बैठते हैं, प्रेम वाले साथ बैठते हैं, बस वही जीवन की सबसे बड़ी दीपावली है, वही सबसे बड़ा त्योहार है, उसी त्योहार के साथ जिंदगी जी जाए, बस इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जिनके मन एक होते हैं, जिनके दिल एक हैं, जिनके अंदर बैर की भावना नहीं है, जो दुनिया में रुपए पैसे को महत्व तो नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है हम लोग हिसाब किताब में लेन देन में ध्यान न दें। जितने आप क्लियर होकर चलोगे ना हिसाब किताब में, रिश्ते ठीक टिकेंगे। एक आदमी बहुत ज्यादा भरोसा कर जाए और दूसरे फायदा उठा ले जाए, उसके बाद जो चोट लगती है, जिंदगी भर के लिए आदमी रोता रह जाता है। थोड़े से पैसे के लिए इन लोगों ने मेरे साथ ये व्यवहार किया। इसलिए जितना अच्छा क्लियर होकर स्पष्ट होकर आप चल सकते हैं, लेन देन में स्पष्ट रहिए, हिसाब किताब अपनी जगह ठीक है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखें, हिसाब किताब अपना ठीक रखने के बाद फिर आप अपनी तरफ से कुछ दें और व्यवहार ठीक जताएं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन हिसाब किताब में कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। ज्यादातर भावुक लोगों को, जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, उन लोगों को मैं देखता हूँ कि ये गलती कर जाते हैं, उनको कोई जोश दिला दे, गुस्सा दिला दे, वो कहेंगे मैंने दिया सब कुछ, रख लो तुम्हें, मैं छोड़ देता हूँ, तुम राजा बन जाओ, मुझे क्या लेना देना। और दूसरा मुस्कराता रहता है, वो चालाक होता है, वो कहता है ठीक है छोड़ो, वो ले लेता है, और ये गुस्से में आकर छोड़ के चला जाता है, उसको लगता है उसको अपने आप परवाह होगी, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। इसलिए एक बात ध्यान रख लेना कि आपका दिमाग और दिल दोनों का संतुलन रहना रिश्तों में बहुत जरूरी है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत भले लोग होते हैं, लेकिन भलों के साथ बुरा इसलिए होता, भगवान नहीं करता, आदमी की मूर्खता उनके साथ बुरा करती है, क्योंकि वो जल्दी भरोसा कर लेते हैं, हिसाब किताब नहीं करेंगे, भरोसा करके चलेंगे, लिख कर देंगे नहीं, लिख कर लेंगे नहीं, गिनकर किसी चीज को रखेंगे नहीं। और सबसे बड़ी दुखद बात, कानून का पूरा ध्यान रखकर चले तो कोई समस्या ना हो, जो भरोसा करके लेन देन कर लेंगे बाद में रोएंगे जरूर, क्योंकि आपने तो भरोसा कर लिया, दूसरा तो वैसा नहीं मिलेगा, जैसे आपका दिल है वैसा दूसरे का है, इसकी कोई गारंटी नहीं, ये कलयुग है। इसलिए एक बात ध्यान रख लेना, सिग्नेचर करने हैं 10 बार सोच समझ के करना, हिसाब किताब रखना है तो उसको पूरी डिटेल में नोट करके रखिए, कोई भी चीज दी जा रही है उससे पहले, देने से पहले कागज पर नोट कीजिए कौन आदमी कब देकर गया, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, क्या हिसाब किताब है, पूरा नोट करके पॉकेट में रखकर फिर पैसे पकड़ाओ। उस समय थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, उस बुरे लगने की परवाह मत कर जाना, जिंदगी भर के लिए बुरा नहीं लगेगा, थोड़ी सी कड़वाहट अच्छी है जिंदगी भर रोने से, जिंदगी में कड़वाहट आ जाए इससे अच्छा उस समय कड़वे बन जाओ, और किसी को लेन देन में उधार देने में भी ये ध्यान रख लेना, क्योंकि उधार देते हुए आदमी जो कोई उधार लेने आता है वो इस तरह से आएगा, वो आपको भगवान बताएगा, वो आपको देवता बताएगा, वो पता नहीं क्या क्या बताएगा, आपको माई बाप है, आपको भाई साहब है, आप तो बॉस है, आपने तो मेरी जिंदगी संवार दी, आपने तो मेरी जिंदगी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, एक सच्चा आदमी मुझे सिर्फ आप में ही दिखाई दिया, बाकी कोई नहीं,
उसके बाद जब पैसे वो लेकर चला जाएगा, फिर अपने पैसे के लिए आप भीख मांगते हुए उसके पीछे पीछे घूमते रहे जिंदगी भर, फिर वो देने वाला नहीं। इमोशनल लोग इसीलिए धोखा खाते हैं क्योंकि वो दिल का इस्तेमाल तो करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए आप किसी को देते समय पहले ध्यान रख लेना, सोच समझ के दिया लिया जाता है। पूरी दुनिया में विश्वास पर सब कुछ चल रहा है, ये दुनिया अगर टिकी भी है विश्वास पर टिकी भी है, लेकिन विश्वास बनाए रखने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आपके दो ब्रेन हैं, एक लेफ्ट ब्रेन है और एक राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो है वो आपके शरीर के राइट पोर्शन को चलाता है, राइट वाला लेफ्ट को चलाता है। इसका मतलब ये है कि एक दिमाग माँ वाला है, इमोशनल है, दूसरा पिता वाला है जो बहुत लॉजिक को स्वीकार करता है, तर्क वितर्क को स्वीकार करता है, हिसाब किताब को स्वीकार करता है। आपको दोनों का बैलेंस बनाकर चलना है। अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगर आपने एक ही तरह के होकर चलेंगे तो समस्या आएगी आएगी। इसलिए ज़्यादातर लोग ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो जल्दी बातों में आ जाए, इमोशनल हो, सॉफ्ट टारगेट जो बन जाता हो, आसानी से जो लक्ष्य बनाया जा सकता हो, ऐसे लोगों को लोग ढूंढते हैं और उन्हीं को जो है इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज करते हैं। इसलिए इस दुनिया में ये बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए। प्रेम पर दुनिया जरूर टिकी हुई है, लेकिन प्रेम को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। भगवान ने बहुत सुंदर गुलाब बनाए, हर गुलाब के फूल के साथ कुछ कांटे दिए हैं। वो कांटे इसलिए दिए गए क्योंकि वो उसके पहरेदार है, वो पहरेदार ही उसकी रक्षा करते हैं, नहीं तो आदमी तोड़ता चला जाएगा। मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, और मधुमक्खी के पास शहद बनाने का आर्ट है, लेकिन उसके साथ उसको कांटे भी दिए, मतलब उसके पास डंक है। इसी के कारण तो उसका शहद सुरक्षित रहता है, नहीं तो हर कोई चलता फिरता आएगा, उनको जीने ही नहीं देगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, मिठास रखिए, शहद बनाइए, लेकिन थोड़ा सा डंक भी अपना ध्यान में रखो, अपनी सुरक्षा का भी इस्तेमाल करो, और सुरक्षा का इस्तेमाल करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आदमी के पास में कोई भगवान ने ना सींग दिए, ना डंक दिया, ना फन दिया, ना लात दी, ना कोई और ऐसी चीज दी। लात से मेरा मतलब है कि जैसे गधे घोड़े लात चला लेते हैं ना, लेकिन दिमाग दिया, इससे अपनी रक्षा करें, अपने प्रेम को भी सुरक्षित रखें, अपने संबंधों को भी सुरक्षित रखें, अपने लेन देन में भी इस बात का बचाव करें कि जिंदगी भर फिर कहीं रोना पछताना ना पड़ जाए। जब आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही जीवन अच्छा होता है। अब मैं थोड़ी सी बात आपको करना चाहता हूँ। अपने यहाँ कुछ चीजों को लेकर ये कहा गया है कि स्वर्ग आसमान में है या जमीन के नीचे है या धरती पर है। तो कहा गया आदमी के व्यवहार में स्वर्ग है, आदमी के दिल में स्वर्ग है, आदमी के विचार में स्वर्ग है, आदमी के जीने के अंदाज में स्वर्ग है। तो कैसे स्वर्ग बनता है? तो वहां पर लिखा सदा प्रसन्नम मुख मिष्ट वाणी, सदा खुश रहता हुआ आदमी, वाणी में मिठास रहता है, सुशीलता, स्वजनेषु सख्यम, अपनों के साथ ऐसा अपनापन और मित्रता, दिलों से दिल मिले रहे, मनों से मन मिले रहे, विचारों से विचार मिले रहे, एकता बनी रहे, सुशीलता, और आदमी बहुत जेंटल होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए, व्यवहार में बहुत ध्यान रख करके चलता। और सताम प्रसंगम, भले लोगों का साथ हो, खल संग त्यागिश, और आदमी इतना सावधान हो कि दुष्टों को पहचान सके और उनसे बच के चले। एतानि देहे त्रिदिवे स्थितानाम, आदमी के अंदर ही ये स्वर्ग है, अगर इसको आप सुरक्षित रख सकते तो तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे अंदर है। तो क्या करना पड़ेगा? कहते हैं कि एक तो आदत बनाओ खुश रहने,
चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखो, खुश रहो, खुश रखो। और ये खुश रहने में और रखने में एक बात होनी चाहिए कि हंसते हंसाते रहें, थोड़ी थोड़ी मजाक भी चलती रहे, और मजाक इस तरह की हो कि जिससे दोनों को ही आनंद आए। पति पत्नी में भी हंसना बोलना चलना चाहिए, दोस्तों में भी चलना चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी हंसे बोले, लेकिन अपमान किसी का भी नहीं। आप लोग जानते हैं कि पति पत्नी जहां कहीं भी होते हैं तो ये लोग अगर अकेले दोनों मिलकर के कहीं घूमने चले जाएं तो सच्चे पति पत्नी की पहचान ये है कि बिना लड़े नहीं रह सकते। मैं इसलिए एक सलाह दिया करता हूं कि पति पत्नी को घूमने के लिए जाना जरूर चाहिए कहीं दूसरी जगह, लेकिन अपने दोस्त की फैमिली को भी साथ में रखना चाहिए, दोस्त को भी साथ रखना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का ध्यान करके लिहाज करके बहुत भले बने रहेंगे दोनों के दोनों, आपस में झगड़ा कम करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का हाथ दबा करके कहेंगे वो देख रहा है वो सुन लेगा, इसलिए शांति से बैठा जाए, तो उस समय लोग जो है झगड़ा कम करते हैं। और नहीं तो ये है कि ये लोग कहीं भी जा करके बैठ जाए, कोई एक पति पत्नी अभी किसी होटल में जाकर, नई नई शादी हुई थी, थोड़े दिन ही हुए थे शादी को, महीना दो महीना, कहीं होटल में जाकर जैसे ही उन्होंने कमरा लेने के लिए मैनेजर से कहा, मैनेजर ने कहा पहले आप अपना आईडी कार्ड वगैरह दीजिए और फिर साथ में सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप पति पत्नी हैं। तो पति ने एकदम पति अपनी पत्नी से कहा बैग खोलो जल्दी सर्टिफिकेट निकालो। पत्नी ने कपड़े इधर किए उधर किए, यहीं तो रखा था वहीं तो रखा था, थोड़ी देर में दोनों लड़ने लग गए। जब लड़ाई बहुत अच्छी सी बढ़ गई, मैनेजर ने कहा सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, असली हो। इस तरह से असली लड़ सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट पता लग गया। और मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ, एक को मैंने देखा हमारी गाड़ी आकर लाल बत्ती पर रुकी, और कितनी देर में मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए एक पति पत्नी लड़ते हुए आ रहे हैं। पति जो है हेलमेट लगाया हुआ, पीछे मुड़ करके जोर से भड़क कर बोलता है, पत्नी पीछे बैठी है छोटा सा रुमाल ले रखा है, इधर से आंसू पहुंचते और फिर भड़क करके आगे कुछ बोलते और फिर दोनों के दोनों लड़ने लग जाते हैं। मैं इधर अपनी गाड़ी में बैठे बैठे देख रहा हूँ, मैंने कहा देखो कितने कमाल का काम कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों ने एक पंथ दो काज, मतलब यात्रा भी जा रही है लड़ाई भी जा रही है, टाइम खराब नहीं कर रहे हैं। घर में बैठेंगे टाइम से कहीं पहुंचना है तो चलो जहाँ जाना वहाँ जाते जाते लड़ लेंगे, तो जाते जाते लड़ रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इनकी लड़ाई के लिए घर कम पड़ गया तो सड़क पर आते सच्चे पति पत्नी नजर आ। और जैसे ही अचानक कोई मिलने वाला आके खड़ा हो गया, अब दोनों ही मुस्करा कर भाई साहब कहाँ जा रहे, आंसू रिवर्स गियर में वापिस। और पति के चेहरे पर भी ऐसी मुस्कुराहट आ गई जैसे कभी जिंदगी में थी ही नहीं। और जैसे ही वो चला गया उसके बाद में फिर पत्नी ने रुमाल निकाला था और पति ने फिर डालना शुरू किया, और इतनी देर में ग्रीन बत्ती हो गई, दोनों आगे चले गए। मैंने कभी कि सफर भी जारी है लड़ाई भी जारी है, सच्चे पति पत्नी यात्रा करते हुए जा रहे। लेकिन एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा, जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर सही जोड़ा मिल जाए तो धरती पर स्वर्ग। 60% जिंदगी का सुख इसी बात पर निर्भर करता है आपका जोड़ा सही बना, और अगर जोड़ा सही नहीं बना तो 60% तो दुख इसी कारण से आपको होता है, बाकी 40% दुनिया। और पति पत्नी की लड़ाइयाँ हो जाएं तो मैं एक बात कहा करता हूँ, कभी किसी तीसरे को बीच में डालने की जरूरत नहीं। वैसे अपने देश में एक कहावत है कि घर में बड़ों को रखो, बड़ों की सलाह मानो, बड़े जब तक पति पत्नी के बीच में हैं और उनका आशीर्वाद है घर बना रहेगा। बड़ों की सलाह चलती रही तो काले कोट वाले वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बीच में वकील आ ही जाएंगे। इसलिए अच्छा जिनके घर में बड़ों का आशीर्वाद है उन्हें कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर वो नहीं रहे और उनका आशीर्वाद नहीं,
किसी न किसी दिन लड़ झगड़ करके कोर्ट को जाएगा। पति पत्नी की लड़ाई हो भी जाए तो बीच में कोई पड़ेगा तो दोनों को एक नहीं करेगा, अलग ही कर देगा। इनकी लड़ाई ऐसी होती है कि शाम को लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया है और सवेरे देखें तो दोनों आराम से नाश्ता कर रहे हैं बैठे हुए, झगड़ा कर रहे, पता ही नहीं लगता। बीच में कोई आ जाए तो समस्या बढ़ने लग जाती है। इसलिए जाकर तो ये कोशिश करनी चाहिए कि बीच में किसी को नहीं डाला जाए, और अगर थोड़ी देर के लिए कोई रूट पर चला जाए। अपने यहाँ एक कहावत ये भी कही जाती है कि अगर आप ऑफिस से छुट्टी लेते हैं हफ्ते और 10 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बॉस को आपके बिना रहने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। अगर उसको आदत पड़ गई तो फिर वो आपको बदल देगा और उसके बाद में फिर आपकी नौकरी खतरे में है। एक हफ्ते और 10 दिन से ज़्यादा की छुट्टी मत लो, और साथ में ये है कि मायके भी जाना पड़ जाए तो भी हफ्ते और 10 दिन से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। किसी किसी के साथ ऐसी समस्या होती है, पति पत्नी लड़ पड़े, बोलचाल बंद हो गई। अब पति पत्नी दोनों अलग होकर के पत्नी मायके में चली गई, वहाँ किसी ने समझाया कि इतनी देर में आपस में बातचीत नहीं होगी, काम खराब हो जाएगा। अब उधर से पत्नी ने फोन किया, आपने मुझे फोन ही नहीं किया, आपको मेरा ध्यान ही नहीं है, आपने तो कुछ भी नहीं मेरे लिए सोचा। अब पति ने भी सोचा कि चलो किसी बहाने से ही सही बातचीत तो शुरू की। उसने कहा नहीं नहीं मैं फोन करने का सोच ही रहा था, अब तुमको मेरी याद आई? तो उसने कहा हाँ याद आई, मेरा सपना आया था क्या? पति ने कहा कि नहीं, क्योंकि गुस्सा आ गया उसको, मैं तो रात में हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, मतलब सीधा ही भूत नहीं बता दिया। पति पत्नी की आपस की मजाक बहुत चलती है, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, और अजीब बात तो यह है कि जो पत्नियां महिलाएं जो चुटकुले बनाती हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। आप लोग सिर्फ पुरुषों वाले सुनते हैं, अगर इनके सुन लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है एक दूसरे के लिए समझ लिया जाए, एक दूसरे को समझ कर एक दूसरे के हृदय तक पहुँच कर कभी कभी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि महिला सब कुछ करती है लेकिन हम लोग कभी उन पर थैंक्स नहीं, पुरुष लोग थैंक्स नहीं कर पाते। अगर थैंक्स करने की कोशिश करेंगे हमारे रिश्ते और गहरे हो सकते हैं। महिलाएं जब कोई बात करती हैं कुछ कहना चाहती हैं उनका मतलब ये नहीं होता वो पुरुष से कुछ समाधान चाहती हैं, वो सिर्फ ये सोचती हैं कि हम अपनी दिल की बात कह दें और ये सिर्फ सुन लें। आदमी सुनना ही नहीं चाहता और महिला सुनाना चाहती, सारा झगड़ा यहाँ पर आता है। और इसलिए महिलाएं सुनाने के लिए वो मौका ढूंढती हैं जब उसको बहुत गुस्सा आता है, खासतौर से जब खाना खाने बैठता है पति, उसी समय ये भोजन परोसते परोसते सारे समाचार जो है देश विदेश के उस समय देना शुरू करती है, और उसी समय पति एकदम ये कहता है खाऊं या छोड़ के जाऊं। तो ध्यान दोनों को ही देना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये है कि पत्नी समझे जब पति बाहर से तरह तरह का दबाव तनाव लेकर आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो अपने अंदर दिल में रख लेता है, कितनी भी बड़ी पीड़ा होती है वो बताता नहीं। महिलाएं तो रोकर अपनी बात को बहुत जल्दी बता देती हैं, पुरुष लोग जो है अपने अंदर रखते हैं, पुरुषों को आसानी से आंसू नहीं आते। ये समझ लीजिए अगर कोई पुरुष रोता है तो जैसे पत्थर टूट कर झरना बहा, और महिलाओं को कोई भी पीड़ा होगी कोई भी बात होगी गुस्सा भी आएगा तो भी आंसू आ जाते। इसलिए दोनों में अंतर बहुत है, महिलाएं झुक जाना पसंद करेंगी लेकिन अपने रिश्ते को टूटना वाला नहीं देख सकते, पुरुष लोग जो है झुकना पसंद नहीं करते, टूट जाना पसंद करते। जब तक एक दूसरे को ठीक से समझा नहीं जाता तब तक जो है गर्भवती को ठीक ढंग से नहीं निभा पाते। हाँ मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं लंबी चर्चा कर सकूँ, कुछ पॉइंट्स और कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहूँगा। तो एक निवेदन आप सबसे ये करना चाहता हूँ कि अगर हम अपने घर परिवार को ठीक रखना चाहते हैं तो अपने घर परिवार में अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो अपने मंदिर को जागृत कीजिए,
प्रार्थना पाठ पूजा जरूर करें। घर के लोग आलसी होते हैं, जेंट्स लोग आलसी होते हैं, महिलाओं को पूजा का सामान तैयार करके रखना चाहिए। पति जब जा रहे हों तो पहले 2 मिनट ही लगे हैं पूजा करके जाए, पूजा कराने की आदत। सप्ताह में एक बार ही सही सारे घर के लोग इकट्ठे बैठे मिलकर के प्रे करें, प्रेयर करने के लिए सारे इकट्ठे बैठे प्रार्थना करने के लिए। और कोई एक जैसे प्रवचनों की पुस्तकें होती हैं, तो प्रवचन की पुस्तक लेकर के एक चैप्टर एक लेक्चर पढ़ के सुनाया जाए और सबसे कहा जाए कि भाई इसमें से जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे उनको आप ध्यान में रखो, नोट करो, और बाद में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन होगी, तो उन पॉइंट्स पर बातचीत की जाए। अच्छी चर्चा करते रहने से आपके घर परिवार का वातावरण बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ध्यान रख लेना। और सारी चर्चाएं तो होती रहती हैं, लेकिन धार्मिक चर्चा, अच्छी चर्चा अपने घर में जरूर करें, और अपने हाथ से भी सेवा करें और अपने बच्चों से भी सेवा करवाएं। अपने हाथ से भी देना सीखें और अपने बच्चों का भी हाथ लगवा कर उनको भी आदत डाल कि बेटा देना सीख। अगर आज उनको देने की आदत पड़ गई तो जिंदगी भर दाता बन कर देती है, किसी के आगे हाथ फैलाकर। इसलिए आपको खुद भी सेवा करनी चाहिए, बच्चों से भी करानी चाहिए, खुद भी देना आना चाहिए, बच्चों से भी दिलाने की आदत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, किसी अतिथि के आने के समय कोई आपका गेस्ट आता है, उसका वेलकम करने के लिए आप भी जाओ, अपने बच्चों को भी साथ ले, और खड़े होकर राजस्थानी परंपरा जैसे मारवाड़ी लोगों में आप जाकर के देखें, स्वागत सत्कार करने में बहुत आदर, बहुत आदर से हाथ जोड़कर सब खड़े हो प्यार से लेकर के आएंगे, छोड़ने के लिए नीचे तक जाएंगे और बिल्कुल हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक विदाई देते। वही परंपरा सबके जीवन में होनी चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने आप भी, सब लोग बिल्कुल प्रेम से लेकर आए। और एक बात और, उसके जाने के बाद में फिर उसको गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की आदत यह है बड़ा टाइम खराब करता, बात गंदा है। उस समय जो आप असर डालोगे, जो कुछ आप बोलोगे, आप अपने मन की भड़ास तो निकाल लेंगे, लेकिन आप अपने बच्चे के दिमाग पे जो असर डालोगे वो बहुत खतरनाक है। अगर आपने वो शिष्टाचार निभाया है तो ये ध्यान रख लेना कि वो शिष्टाचार आपके बच्चों पर बहुत अच्छा असर है। इसलिए किसी के जाने के बाद उसके बारे में फिर गलत बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि उसकी अच्छी बातों की चर्चा करनी चाहिए। इस आदमी ने थोड़े टाइम में बहुत अच्छी तरक्की की है, इस आदमी की ये खासियत है, इसका मुस्कुराना अच्छा, बात करने का तरीका अच्छा। ठीक है, ज़्यादा बोलता है वो अलग बात हो सकती है, लेकिन हमें ये बात अच्छी, हर एक का गुण ग्रहण करने की अगर आदत है तो आपके बच्चों को वो आदत पड़ जाएगी, और अपने बच्चों को जो आप सिखाएंगे, जो मैनर्स आप उनको देंगे, वो मैनर्स उनकी जिंदगी भर काम आएंगे। और अपने बच्चों को कभी भी आप ऐसी चीज मत कहिए कि उनका दिमाग जो है किसी डर से भर जाए, चिंताओं से भर जाए, या फिर उनको ये समझ में आए कि ये हम नहीं कर सकते। हर चीज के लिए बताए तुम जो चाहो जीवन में कर सकते हो, तुम्हारे मन में काम करने की लगन होनी चाहिए। जब आप बच्चे के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाते हैं और उनकी जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनके ब्रेन की, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बच्चों को मोटिवेट कीजिए, खुद करके उनके सामने भी व्यवहार करके देखिए। और एक खास बात और, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का जितना आप सम्मान करेंगे, वो एक अच्छी परंपरा होगी जो आपके घर परिवार में आगे तक पीढ़ियों तक जाएगी। माँ को बूढ़ी है, एक ही बात बार बार दोहराती है, वो खाना खाती है कपड़ों पर गिरा लेती है, कोई बात नहीं, तो मुंह साफ करो, उनके पास जा सकते हो। वो जो कुछ आप करेंगे उसका असर आपके आने वाली पीढ़ियों पर होगा, और पीढ़ियों पर ही होगा, ये जनरेशन जो खून के अंदर आपके गुण आएंगे वो आगे की पीढ़ियों में इस तरह प्रभाव जाएगा। एक बेटी 3 परिवारों पर असर डाल, ये संस्कार आगे तक जाए।
स्कूल कॉलेज वाले आपके बच्चों को सिर्फ जो कोर्स है बुक्स में वही पढ़ा करके उतना ही वो अपना काम पूरा करते हैं, बाकी व्यक्तित्व बनाना, पर्सनैलिटी डेवलप करना वो तो आपका काम। तो बड़े बुजुर्गों को आप जितना मान देंगे उतना अच्छा, और हो सके अपने माता पिता को जितना आप सम्मान दे सकते हैं। सोचिए तो सही, एक माँ जिस तरह से अपने बच्चों के लिए करती है, अपने आप में माँ फरिश्ता है, कभी छुट्टी नहीं होती माँ। वो तो छुट्टी वाले दिन और ज्यादा काम करती है, हॉलीडे हो, फेस्टिवल हो, कोई त्योहार हो, लगी रहेगी काम में, सबको खिलाकर खाएगी, उसकी पसंद का किसी को ख्याल नहीं, उसे सबकी पसंद का ख्याल, किसको क्या पसंद आता है, क्या खाना पसंद आता है, क्या चीज पसंद आती है, वो बेचारी सबकी पसंद का ध्यान रखती है। हमें चाहिए सब मिलकर उसकी पसंद का ध्यान रखें। आज हम तुम्हारी पसंद की चीज लेकर आए हैं, आज तुम्हें ये चीज खिलाएंगे, वो चीज खिलाएंगे, आप देखिए तो सही, थोड़ा सा कुछ करके। आप किसी को गहने दो ना दो, रुपए पैसे दो ना दो, ये प्यार के दो बोल उनको नहीं चीज मिलते, ये व्यवहार करके कभी कभी थैंक्स भी कर लिया करें, कभी कभी साथ बैठ कर कहें तुम्हारे होने से मेरी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत कीमती रहा है, तुम मुझे अच्छी तरह से समझती हो, और कोई समझ ना समझ। ये कुछ शब्द हैं जिनको आप दिल से बोल करके देखिए, इसका बहुत अच्छा असर आता है। तो प्रार्थना जरूर कीजिए, अच्छे विचार रहने चाहिए, सेवा करें, बच्चों से भी करें, देने की आदत डालें, अपने बच्चों से भी दिलवाएं, मैनर्स में इस बात का ध्यान रखें, कोई आ जाए उसका स्वागत करने के लिए खुद भी जाओ, बच्चों को भी लेकर जाओ, और घर में किसी के लिए निंदा चुगली और किसी को कोसना उस तरह की आदतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपनी नस्लों को वो संस्कार देंगे, और गुण ग्रहण करने की आदत बनाएंगे, कमियां ढूंढने की नहीं, तो घर में परिवार में सबके काम आए। और खास बात, हमारी किसी भी वजह से बड़ों की आंख में आंसू नहीं होने चाहिए, माँ का प्यार तो सब लोग जानते हैं, लेकिन पिता अपने बच्चों को कितना प्यार करता है, सिर्फ वो डांटता दिखाई देता है, इससे हमें ये नहीं मानना चाहिए वो प्यार नहीं। पिता का डांटना आपको समझ में आता है, क्यों डांटता है, डांटने का एक ही कारण है, वो पूरी दुनिया में मेहनत करके कमा करके जब अपने घर में घुसता है और अपने बच्चे को लापरवाह देखता है, टाइम खराब करते हुए देखता है, उसको लगता है मैं कुछ चीजों में कम रह गया, तो आज मुझे किस किस के आगे जाकर गिड़गिड़ाना पड़ता है, किसके आगे जाकर झुकना पड़ता है, मेरे बच्चे में अगर ये कमी रह गई तो ये भी किसी के आगे इसी तरह से रहेगा, इसलिए उसको गुस्सा आता है, वो डांटना शुरू करता है, और डांटना इसलिए चाहता है कि मेरी जिंदगी में कमी रह गई लेकिन मेरे बच्चे में कमी ना रह जाए, इसलिए बेचारा डांटता है, जबकि उसके होने से घर हंसता मुस्कराता है। वो है तो वो घर का चौकीदार है, उसके रहते हुए किसकी हिम्मत नहीं उस घर पर उंगली उठा करती, वो है माँ की सुहाग की बिंदी, माथे का सिंदूर, वो है बूढ़ी माँ की दवाइयाँ आ रही, वो है तो बच्चों की किताबें आ रही, उसके होने से घर के अंदर एक स्ट्रेंथ है, शक्ति, वो है तो लगता है कि एक ढाल बनकर एक आदमी खड़ा हुआ है, छतरी बनकर खड़ा हुआ है, तो सबको सुरक्षित किए हुए, दुखों की बारिश अपने ऊपर लेकर खड़ा हुआ है, इसमें पिता जैसा स्थान भी किसी का नहीं हो सकता और माँ जैसा स्थान भी किसी का नहीं हो सकता, इसलिए अपने माता पिता को जितना मान और प्यार दे सकते हैं प्यार देने की कोशिश कीजिए, प्रसन्न रहें, मीठी वाणी रखें, सज्जनता को कभी छोड़े नहीं, अपनों के साथ अपनापन जिंदा रखें, व्यवहार कुशल होना बहुत जरूरी है, और अपनी दोस्ती अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ चुनकर, क्योंकि आपको
माता पिता भगवान ने चुन के दिए, उसमें आप कोई सिलेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन दोस्त और संगति कंपनी वो तो आप चुनते हैं, तो चुनाव करने में गलती मत कर। अगर गलत दोस्त चुन लिए जिंदगी भर पछता है। इसलिए कहा गया सताम प्रसंगम खल संग त्यागिष्ट, दुष्टों को पहचान कर उनसे दूर रहना और भलों को ढूंढकर उनके साथ रहना, जिसको आ गया उसके जीवन में स्वर्ग। बस यही आप सबसे कहना चाहता हूं, क्योंकि विषय ये ऐसा है कि इसको जितना हम आगे तक जाएं, जितना और ज्यादा से ज्यादा क्राइम इसको किया जाए, तो इस बारे में हम लोग इतने से नहीं चल सकते। कहते हैं पति पत्नी में बहुत प्रेम हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, बड़ों का मान हो, घर में भक्ति हो और सिर पर गुरु की छाया हो और आदमी हिम्मत वाला हो, उत्साह के साथ चलता हो, वक्त को पहचान कर चलता हो, सही सलाह लेने के लिए उसके पास अच्छे सलाहकार हैं, तो ऐसा आदमी अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन बना पाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी इन सब चीज़ों को जरूर समझेंगे और अच्छा हो, इतना बड़ा दिल जरूर रखना चाहिए कि कभी कभी अपने आंसुओं को पीकर मुस्कराने की काबिल होनी चाहिए। कहते हैं जिंदगी आंसुओं का जाम था, जिंदगी आंसुओं का जाम था, कुछ पी गए कुछ छलका गए। कुछ तो वे लोग थे हिम्मत वाले, पी गए मुस्कराते हुए आगे बढ़ गए, और कुछ बेचारे वो थे कि जो पी नहीं पाए लेकिन छलका गए, आंख से प्रकट कर गए, लेकिन जिंदगी तो रहेगी, सुख दुख का हिस्सा। इसलिए कुछ भी हो हमें हर स्थिति में मजबूत बनना है, अपने परमात्मा का सहारा लेना है, सिर पर अपने गुरु की छाया रखनी है, अपने नियम ठीक रखने हैं, अच्छी सेहत चाहिए, घर में पैसा भी चाहिए, पति पत्नी में प्रेम चाहिए, बच्चे अनुकूल हो, अच्छे लोगों के बीच रहने का मौका मिले, नई चीज़ों को सीखने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, अपने दिमाग को नया बनाए रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी किसी वर्कशॉप को जरूर अटेंड करें, घर से थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए जरूर जाया करें और कोई ना कोई तीर्थ जरूर करें। कुछ ना कुछ पुण्य कार्य हमें जरूर करते रहने चाहिए और हंसते मुस्कराने की आदत बनाई रखनी चाहिए। जिसने भी ये अपनाया उसका घर बहुत बहुत शुक्रिया। अब 20 मिनट मैंने छोड़े हैं आप सभी के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए, तो अब आप तैयार हो सकते हैं, क्योंकि आज इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है और कल मैं भारत के लिए रवाना होऊंगा। आप सबकी बहुत सारी मीठी यादें लेकर, मैं आप लोगों के नाम नहीं जानता लेकिन इतना मैं जरूर महसूस करता हूँ, जितने भी चेहरे मैं देख रहा हूँ उन सबको अपने अंदर तस्वीर के रूप में देखता हूँ, बहुत अपने पन के साथ। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए, भगवान फिर कृपा करेंगे हम लोग फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ, एक नई मिठास के साथ, और जो मैंने कहा उस महक को अपने अंदर जिंदा रखने की कोशिश की। आइए क्वेश्चन आंसर के लिए शुरुआत करें। खड़े हो जाइए, वहीं से शुरू हो जाइए। नहीं नीना नहीं, मैं नबीना कहता हूँ। इंसान जब इस संसार में पैदा होता है तो उसी दिन उसे पता होता है कि मैं अगर संसार में आया हूँ मुझे जाना भी अवश्य है, एक न एक दिन मेरी मौत होगी। लेकिन फिर भी वो मौत से क्यों डरता है, जबकि कोई बुरे काम करते वो भगवान से तो नहीं डरता, लेकिन मौत का डर मन रहता है क्यों? आपने तो मुझे ही डरा दिया। बैठ जाइए। नीना जी बहुत अच्छे सवाल लेकर आती हैं। देखिए मनुष्य के अंदर कुछ चीजें शुरुआत से चली आती हैं
हमारे जो फिलॉसफी है हिंदुस्तान की, उसमें ये कहा गया इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानाने आत्मनिर्भर। आत्मा के साथ ये चीजें जुड़ी हुई है, वो किसी चीज की इच्छा करती है, किसी चीज से दूर हटना चाहती है, ये जीवन के लक्षण है, जीवन जहां भी होगा। और जीवन का लक्षण ये भी है इच्छा द्वेष सुख दुख, किसी चीज से का सुख किसी का दुख, किसी को पाने की इच्छा, ये जीव के साथ आत्मा के साथ ये लक्षण बने हुए हैं। और पांच तरह के क्लेश भी आदमी के साथ जुड़े हैं, जिसमें कहा गया अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा इति पंच कलेशा। पांचवीं चीज उसमें जो लिखी है वो ये अभिनिवेश, मौत का डर। मौत का डर अज्ञानता के कारण है, मोह के कारण है, अटैचमेंट के कारण, मेरा ये छूट ना जाए, मेरा ये रह ना जाए। कुछ वो बहादुर लोग होते हैं जो अपने प्राण हथेली पर रखकर जिंदगी जीते हैं, उन्हें हम बहादुर कहते हैं, उन्हें हम लोग आइडियल मानते हैं, उन्हें अपना हीरो मानते हैं, वही देश को बचाते हैं, वही जिंदगी बचाते हैं। जिस व्यक्ति ने प्लेग के लिए, जिस डॉक्टर ने, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस में जिसने बड़ी भारी क्रांति की, उससे पहले तक कोई प्लेग के लिए उसका वायरस क्या है इस पर किसी ने भी आगे आकर काम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबको यह था अगर हमको लग गया हम मर जाएं। एक ही व्यक्ति था जिसने उसके लिए बिना डरे काम शुरू किया और खुद प्लेग लग गई उसको। और उस कीटाणु के बारे में, वो जो बैक्टीरिया था, उसके बारे में जानकारी लेने के बाद उसने कहा मैं जा रहा हूं लेकिन दुनिया बचेगी। जो लोग मौत से नहीं डरे वो मरने के बाद भी नहीं डरे। कायर आदमी रात दिन हजार बार मरता क्योंकि वो डर डर करके जीता, और बहादुर एक बार मरता है उसका शरीर मिट जाता है लेकिन वो दुनिया में जिंदा रहता है। इसलिए जिसके अंदर वीरता है, जिसको ये ज्ञान है, जिसको ये समझ है कि मृत्यु या डर कमजोरी है, इसे जो जीतना सीख जाए बस वही बहादुर कहलाता है। ये डर होता जरूर है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं करता, आदमी के साथ ये लक्षण पैदा होता है, लेकिन इस लक्षण पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही सोसाइटी में हीरो बनता है और वही आदमी सही ढंग से जीता है। इसलिए साहस से साहस पैदा होता है, हिम्मत से हिम्मत पैदा होती है, कायरता से कायरता और डर से डर पैदा होता है। जब हमें समझ आ जाती है, हम ये जान लेते हैं कि हमारा आत्म तत्व वो है नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः, इसको शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, मैं मरने वाला नहीं हूँ, तन छूट जाएगा लेकिन ये शरीर मिटने के बाद भी आत्मा मिटेगी नहीं। जो इस रहस्य को जान लेता है वो फिर मौत से डरा रहता है। ये हमारे देश का सिद्धांत है, यही गीता है। इसे अगला सवाल हाथ खड़ा कर दें वहीं से, और क्योंकि टाइम आज हम बिल्कुल समय पर ही समाप्त करें। प्रश्न भी है और एक विनती भी है, प्रश्न और विनती साथ में है। महाराज जी, आजकल आप हमें भजन क्यों नहीं सुनाते हैं? क्या आज आप हमारे लिए एक जोली में फूल भरे सुना सकते हैं? आपने तो सवाल नहीं किया, आपने तो एक फरमाइश कर ली है। चलिए, और दूसरा कुछ बताइए आप। ये तो एक बात हो गई, दूसरा कोई नहीं है।
तो मैं शुरू हो जाता हूँ। सवाल किए जाते हैं, उत्तर देता गुरु। गुरु के पास जब सारे सवाल समाप्त हो जाएं और उसकी मर्जी को अपनी मर्जी मान लें और हृदय को अपने गुरु से जोड़ लें, तब जिंदगी में एक अलग तरह की रोशनी आती है। आइए वही पंक्तियां दोहराते हैं। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। लफ्जों का टोटा है, टोटा मतलब कमी, लफ्जों का टोटा है, जिक्र प्यारे का, जिक्र प्यारे का अशकों से होता है, जिक्र प्यारे का अशकों से होता है। अपना कब जब कभी मिलता है, दो बहनें बरसों बाद बिछड़ी भी मिली, खुश तो हैं पर गले मिलेंगी तो रोने लग जाएंगे। अब आकर तो जब किसी प्यारे का जिक्र किया जाता है तो शब्द नहीं दिल बोलता है और आंखों से आंसू प्रकट हो जाते हैं। पीने झट पहचाना, पीने झट पहचाना, दीवानों में था, दीवानों में था, मैं सबसे दीवाना, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, यहाँ तो हो ही रही है ना, लेकिन बारिश को भी एक नए अंदाज में कहा, आंख से बरसते हुए आंसू और अंबर से बरसती हुई बूंदें। छम 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 बारिश है, माही घर आ जा, माही घर आ जा, हर बूंद सिपारिश है, माही घर आ जा, हर बूंद सिपारिश है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और ना मन भटके, अब और ना
मन भटके आंखें रख आई, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, मीरा नाचेगी, मीरा नाचेगी जब प्रेम न जाएगा, मीरा नाचेगी जब प्रेम न जाएगा, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, बाहर लाचारी है, बाहर लाचारी है, नाच प्यारे का भीतर तो जारी है, नाच प्यारे का भीतर तो जारी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया, राजी कर दुनिया, या रब को कर राजी, राजी कर दुनिया, या रब को कर राजी, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, आहट है सावन की, आहट है सावन की, रब्बा खबर सुना, रब्बा खबर सुना, माही के आवन की, रब्बा खबर सुना, माही के आवन की, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो ते लगता है कि नूतन अब खुश हो गए होंगे, इनको नया सुना दिया। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। इन शब्दों में धन्यवाद करें समझ में ही नहीं आता है। गुरुवर के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो शब्द खो जाते हैं और वाणी मोहन मेरी अरदास में इतना तो अच्छा सुना है, फिर जब सर पे
मेरे गुरु सतगुरु को खबर हो गया। अब हम आपकी वंदना करेंगे। मैं निवेदन करूंगी श्रीमती रेणु मोहिनी एंड श्रीमती शंकु मोहिनी से कि वे मंच पर आकर प्रभु चरणों में आरती अर्पित करें और हम सभी अपने अपने स्थान पर।